एशियन गेम्स में भारत का जलवा डंका बज रहा है। 2023 एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है भारत ने। एशियन गेम्स से भारत को एक और गोल्ड महिला कबड्डी में, भारत ने गोल्ड जीता है। अब तक कुल 25 गोल्ड भारत के पास, 35 सिल्वर, 40 कांस्य, कुल मिलाकर 100 पदक भारत की झोली में। और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार एशियन गेम्स में 100 पदक हासिल कर चुका है भारत। अब तक पदकों का शतक लग चुका है, 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 कांस्य। पीएम ने ट्वीट किया है, खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। हर प्रदर्शन ने इतिहास रचा है, दिल गर्व से भरा हुआ है। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने अपनी भावनाएं प्रकट की। 10 अक्टूबर को खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे पीएम, और उन्होंने लिखा है कि मैं खिलाड़ियों से बातचीत के लिए उत्सुक हूं, उत्साहित हूं। एशियन गेम्स में भारत का जलवा, 100 पदक भारत हासिल कर चुका है अब तक, इनमें 25 स्वर्ण है। पीएम की शुभकामनाएं, प्रदेश देश भर से जन जन की शुभकामनाएं हमारे खिलाड़ियों के साथ, जो इस समय एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 100 पदक हम जीत चुके हैं, इनमें 25 स्वर्ण है, 35 सिल्वर और 40 कांस्य। महिला कबड्डी ने भी भारत में भारत के लिए गोल्ड हासिल किया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनेकों अनेक शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि महिला एथलीट्स को ये पदक हमेशा ही प्रेरणा देंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि मैं खिलाड़ियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। 10 अक्टूबर को खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। एशियन गेम्स में भारत का जलवा, भारत का दम, पदकों का लग चुका है शतक। 100 पदक अब तक हम जीत चुके हैं, इनमें 25 स्वर्ण है, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज। पच्चीस गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज अब तक हम हासिल कर चुके हैं। पूरे देश की शुभकामनाएं हमारे खिलाड़ियों के साथ। इस समय ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरा देश गर्वित है, गर्व महसूस कर रहा है, जश्न के मूड में। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। अशोक ध्यानचंद जी जुड़ गए इस समय हमारे साथ, और किसी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अशोक जी, बहुत शुभकामनाएं हमारे खिलाड़ियों को पूरे देश की ओर से पदकों के शतक पर, आप क्या कहेंगे? हमारे एशियाड गेम 1951 से शुरू हुए हैं और आज 1923 हमारा चल रहा है, करीब 75वां वर्ष अगले साल में हो जाएगा। इस 75 वर्ष के अंदर भारत ने 100 मेडल हासिल किए हैं, जो पहले कभी नहीं थे। वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और ये तो मैं देश के जवानों की बात करूंगा, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि हम देश को इतने मेडल ला कर देंगे, और उसको पूरा किया, उस कॉल को पूरा किया। ये सबसे बड़ी बात है। और डिटर्मिनेशन के साथ अपने संयम रखते हुए अपने टारगेट को उन्होंने हमेशा निशाने पर रखा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत के जवानों की। और हम सब खुश, मतलब बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए, जब वही कहते हैं ना, हमारा वो तिरंगा जब लहराता है और ऐसा फहराता है तो दिल में अजीब सी एक अनुभूति होती है, जो खेलों के माध्यम से और उन बातों से जिसमें हमारे जवान आगे बढ़कर काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की रही है, और इसके लिए सभी भारतीयवासी, खासतौर से
हम सभी उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मेडल जीतना अलग है, पार्टिसिपेट किया है, एक बीड़ा उठाया एशियन गेम्स के अंदर और एशियाड के अंदर एक नया परचम हिंदुस्तान का जो तिरंगा झंडा है वो लहराया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अशोक जी, चूंकि रोजाना जब तस्वीरें आती हैं और जब ये खबर फ्लैश होती है कि एक और पदक भारत ने हासिल किया है, तो हम सबकी आंखों में जो चमक है, जो चेहरे की मुस्कुराहट है, वो बयां नहीं हो सकता। अशोक जी देखिए, वो जीतने के बाद जो इंसान के अंदर खुशी होती, मैं समझता हूँ वो खुशी को हासिल करना करोड़ों खरबों अरबों रुपए की बात ना करें अगर हम, लेकिन ये अनुभूति इंसान के अंदर जो आती है जीतने के बाद और देश के लिए कि मैंने कुछ काम किया है, गर्व महसूस होता है, वो तो चीज़ आप कहीं से पा नहीं सकते। वो तो उस व्यक्ति को, इस इंसान को ही पता होती है जो मेडल्स या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड उसमें आता है और अपना मेडल हासिल करता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इंसान के लिए है भी कि खेलों में जीतो, खेलों में खेल खेलो, इसमें जीतिए, इसमें अपना बड़प्पन छोटेपन दिखाइए। ये कुछ चीजें ऐसी जिनको हमको सीखने की जरूरत है देश को। बिल्कुल, और भविष्य के एथलीट्स के लिए प्रेरणादायी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। ये आने वाले जनरेशन के लिए सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं आज खेल के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से ये आज जो हम देख रहे हैं ये चमक, ये वाकई में सरकार की देन है जिन्होंने आगे बढ़ने के कई रास्ते खोले हैं खेल के अंदर। प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट किया है अशोक जी, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, 10 अक्टूबर को ये मुलाकात होनी है। और निश्चित तौर पर जब देश के मुखिया खिलाड़ियों से संवाद करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो उनकी उनका जो मनोबल है वो और हाई होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। मुखिया, हर जगह का मुखिया, हर जिस डिपार्टमेंट के मुखिया, अगर वो आगे बढ़कर काम करें, वो शाबाशी दें, पीठ के ऊपर थपथपाहट दें और आगे बढ़ने पर उनको इंसेंटिव दें, तो हमारे देश के नौजवान तो छू ही रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, छू ही लिया आसमान तो हमने, अब हमने जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर भी काम करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे जवान, हमारे बच्चे करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रेरणा मिलती रहे, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। और क्योंकि खेल एक ऐसा बिल्कुल सच्चा, सत्य के ऊपर डिपेंड करता है खेल, इसके अंदर क्वालिटी होनी है, हमारी क्वालिटी आगे बढ़ती है और बच्चों ने दिखाया है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये मेडल्स हमारे पास और आने शुरू हो जाएंगे। महिला एथलीट्स को लेकर आप क्या कहेंगे, उनका प्रदर्शन जो रहा, जिस चमक धमक के साथ वो मैदान पर उतरी, उस पर आपकी टिप्पणी और समीक्षा। जी बिल्कुल, उनके बिना तो मैं कुछ आधी बात करूंगा, मैं कहूंगा महिलाओं ने तो हमारे भारत देश के जो एक उपलब्धियां हैं उसमें उनका योगदान इस बार तो बहुत ही अजब और गजब रहा है। क्या क्या एथलीट निकले हैं, क्या हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी उसके अंदर हैं, हमारे जो बॉक्सर्स हैं, हमारे रेस्लर्स हैं, किस किस का जिक्र करूँ मैं, स्क्वाश के अंदर देख लीजिए, टेबल टेनिस के अंदर हमारी नई उपलब्धियाँ शुरू हुई हैं जिसमें हम बहुत पीछे पीछे खड़े हुए थे, हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम टेबल टेनिस में हम जीतेंगे, हम बैडमिंटन में जीतेंगे, लेकिन इन खेलों के अंदर भी हमने अपना रिकॉर्ड, निशानेबाजी में तो हमने मैक्सिमम पदक हासिल करने वाले हमारी बच्चियों ने हासिल किए, क्रेडिट गोज टू द गर्ल्स ऑफ कोर्स, उनके बिना तो हिंदुस्तान अधूरा है। बहुत धन्यवाद आपका अशोक ध्यानचंद जी, निश्चित तौर पर आप भी एक बहुत बड़ी मिसाल और प्रेरणा हमेशा रहेंगे हमारे एथलीट्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए नेटवर्क 10 के प्लेटफॉर्म पर।